होली मुबारक हो। भारत भूमि त्योहारों की भूमि है, हर दिन त्योहार है। अभी थोड़ा दिन पहले ही, दो सप्ताह पहले शिवरात्रि मनाई और अभी धूमधाम से क्या कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, रंग खेल रहे हैं। तो सच्चा रंग कौन सा है हम? लाल पीला रंग गुलाल वो तो अलग बात है, परंतु ये परमपिता परमात्मा के अवतरण की यादगार ये होली भी है। क्योंकि सारी दुनिया इस समय इतनी मैटेरियलिस्टिक हो गई है, सोने पर ही आँखें और पोजीशन पर ही अथॉरिटी से अभी अपने रॉन्ग पावर को यूज़ करते हैं, तो हिरण्यकश्यप का राज हो गया है। तो ऐसे समय पर आसुरी वृत्तियों को ख़त्म करने के लिए परमपिता परमात्मा का अवतरण उनकी यादगार बनाया हुआ है। और कहानी किनकी है? प्रहलाद की, यानी प्रभु के औलाद की। तो आप अपने आप को ऐसा ही समझें, हम प्रभु की औलाद हैं, प्रहलाद हैं। हमारी हर सल, हर पण पल, हर क्षण रक्षा है ही है। कितने भी विरोध हों, कितने भी विकराल रूप से आसुरी वृत्तियों वाले दुख नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, परंतु जिनका संग परमात्मा के साथ जुट गया, उस रंग में जो आत्माएं रंग गईं, उनके लिए तो सदा होली ही होली है। और होली के इस हिसाब से, यानी होलिका जल गई, धोखा देने वाले स्वयं जल जाते हैं और प्रभु की औलाद सुरक्षित बन जाते हैं, क्योंकि उनको वो कवच मिल जाता है परमात्म संबंध का, प्रभु प्रेम का, विश्व रक्षक की चादर मिल जाती है। ना वो अग्नि में जलते हैं, ना पहाड़ से गिर के कभी चोट खाते हैं, क्योंकि अहंकार का पहाड़ मनुष्यों को बहुत ज़ोर से गिरा के चकनाचूर कर रहता है। ईर्ष्या की आग में, वैर विरोध की अग्नि में, काम विकार की अग्नि में मनुष्य आत्माएँ जल कर भस्म हो जाती हैं। तो अब हम आत्माओं को ये होली पर ये संदेश दिया है परमपिता परमात्मा ने कि अभी विकारों की होलिका जलाओ, हैं। और फिर जब ये विकारों की, अवगुणों की, पाप कर्मों की, अशुद्ध विचारों की, पुरानी चीज़ों को जलाते हैं ना, सब लकड़ियाँ जल गई, तो फिर क्या होगा? फिर तो तिलक मिलेगा राजतल मिलने का। तो फिर होली के खेलें, गुलाल से होली खेलें, परमात्मा के संग के रंग की होली खेलें, तो फिर तो सतरंगी धनुष वाले रंग से हम आत्माएं रंग जाएंगी। कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये जो जीवन जो है ना, बसंत बहार बन जाएगा और सदा ही खुशी खुशी होगी, क्योंकि ये कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का समय, जबकि नरसिंह अवतार का यादगार है। तो वास्तव में न अंदर न बाहर, न दिन न रात, ये एक बेहद बहुत गुह्य राज है इस सृष्टि चक्र के अंत में और नई सृष्टि की स्थापना के आदि के समय। न अंदर है न बाहर है, न ब्रह्मा का दिन है न ब्रह्मा की रात, ये असंगम के समय पर ऐसे परमपिता परमात्मा स्वयं अड़े सूक्ष्म रूप में, जैसे वो दिखाया कि लाल चींटी खंभे पर चलती हुई दिखाई पड़ी, तो परमपिता परमात्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, यादगार बेशक ज्योतिर्लिंगम रूप में है, पर है ज्योतिर्बिंदु। तो वो ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा नर तन में प्रवेश करते हैं। सिंह है शक्तिशाली, ने शक्ति की निशानी, और नर मनुष्य तन की निशानी है। तो परमपिता परमात्मा परकाया में प्रवेश होकर के नरसिंह का अवतार लेकर आसुरी वृत्तियों वालों का उसको समाप्त करते हैं और अपने बच्चों की औलाद की, प्रभु की औलाद जो है वो बच जाती हैं। तो ऐसी होली रंग मनाने की, परमात्मा के साथ संग में रहने की होली। और दूसरी बात, अनेक जन्मों के हिसाब किताब, मनुष्य आत्माओं के साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार या सद्व्यवहार, जो हो गया सो हो गया, होली सो होली, पास्ट इज पास्ट। अब नया जीवन मिला है तो ऐसा जीवन बनाने के लिए
परमात्मा का संदेश है, बच्चे भी होली यानी पवित्र, एंड मेरे साथ योग लगाओ, मुझे एक को याद करो तो बन जाएंगे योगी। तो बी होली बी योगी, पास्ट इज पास्ट, रूहानी संघ के रंग में सदा रहे, रंगे रहे और सतयुगी दुनिया के राज्य के अधिकारी बने। ऐसे होली की आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।